जी परम पूज्य गुरु जी, बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर राकेश झा है, मैं विज्ञान का आदमी हूँ। बिल्कुल। और अध्यात्म से बड़ी विचित्र सी लगाव है। ठीक। इसका कोई कारण नहीं कि लगाव क्यों है। और मैं हमेशा ना ये मेरे एक सेकंड, मुझे ना जीवन में पहली बार किसी ऐसे विद्वान से बात करने का मौका मिला है, और मैं खास करके जानना चाहता हूँ ये जो हम कहते हैं ना कि धर्म आस्था का विषय है, मुझे हमेशा ये व्यथित करता है। धर्म आस्था का विषय क्यों है जब राजधर्म है जिसे पालन करना है, लोक धर्म है जिसे पालन करना है, तो हम जिसे धर्म कहते हैं वो सिर्फ आस्था का विषय क्यों हो सकता है? क्यों नहीं हम इसको, देखिए बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे धर्मों के ग्रंथ हैं जो एक तरह की बातें करते हैं, और हम अलग अलग चर्चाएं करते हैं, अलग अलग संप्रदाय की बात करते हैं, अलग अलग, कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई वैष्णव है, हम इस तरह की बातें करते हैं, और शायद हम बहुत दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, क्षमा करेंगे मैं शायद उतने अच्छे से बात नहीं पहुंचा पा रहा हूं, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम जिसको धर्म कहते हैं उसको विज्ञान की कसौटी पे तौल के बोला जाए। जैसे गुरुजी, मैं 2-3 दिन पहले आपका पूरा प्रवचन यहाँ सुन रहा था, और आपने कहा मांस नहीं खाना चाहिए, और आपने हाथ उठाकर सबों से कहवाया, मैं भी उसमें शामिल था। फिर मुझे ये लगा कि सिर्फ ये कह देना कि मांस नहीं खाओ शायद उतना अपील नहीं करता, शायद उतना मुझे प्रोत्साहित नहीं करता। अगर ये धर्म में है, ये ज्ञान में है, अगर हम इसको तर्क की कसौटी पे कहते तो शायद हम जैसे लाखों लोग उसको और समझ पाते। तो मेरा आपसे आग्रह है कि मुझे थोड़ा सा पथ प्रदर्शित करें कि मेरी आस्था और बढ़ सके। धन्यवाद। देखिए, माइक लिए रहिए, माइक लिए रहिए, माइक लिए रहिए। ऐसा है कि आपने कहा धर्म और आस्था जी, ऐसा है ना कि धर्म की अलग अलग परिभाषाएं हैं, हर काल परिस्थिति में धर्म बदल जाता है। जैसे पिता का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, माता का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, शिष्य का धर्म अलग है, गुरु का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार वो सिचुएशन क्या है, उस समय किस धर्म का हमें पालन करना है, वो हमें विचार करना पड़ेगा। तो धर्म की परिभाषाएं, तो समय काल मूल रूप से धर्म की तीन बातें हैं। धर्म किसे कहते हैं? दया धर्म का मूल है, दया को धर्म माना गया है सनातन में। परोपकार को धर्म माना गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार सेवा समाज की करें आप, दीन दुखी की, वो धर्म है। तीसरा धर्म माना गया है धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य को सबसे बड़ा धर्म माना गया है, इसलिए हमारे धर्म का नाम ही है सत्य सनातन धर्म, क्योंकि सत्य है, सनातन मीन्स पुराना। अब रही बात आस्था की, तो देखो धर्म तो सबके पास होता है, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास धर्म ना हो। ये पूरी सृष्टि किस से चल रही है? धर्म से। लोग कहते हैं कि मैं धर्म को नहीं मानता, लोग कहते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप धर्म को ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ईश्वर को ना माने। बिना धर्म को माने, बिना ईश्वर को माने, आप संसार में रह ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी पत्नी है और आपकी माँ है, तो ये दो हो गए ना, दोनों स्त्रियां हैं, पर दोनों को देखने का जो नजरिया है, दोनों को देखने का, बेटे माइक, जो दोनों को देखने का नजरिया है वो अलग अलग है। पत्नी को अलग दृष्टिकोण से देखा जाएगा, माँ को अलग। तो ये जो माँ और पत्नी में जो भेद है दृष्टि का, वही तो धर्म है। धर्म ही तो बता रहा है कि ये माँ है, ये पत्नी है, ये बेटी है, ये बहन है। यदि धर्म मर जाएगा तो फिर पत्नी में और माँ में और लोगों में अंतर ही नहीं रह जाएगा। जैसे जानवर, जैसे कुत्ता, बिल्ली, इनमें धर्म नहीं होता, इसलिए जिस माँ से पैदा होते हैं ना कुत्ता, उसी माँ के साथ वो बड़े होकर, जवान होकर संबंध बना लेते, क्योंकि उनके पास धर्म नहीं है। इसलिए हम सारा संसार जो हम मनुष्य हैं, ये धर्म के सूत्र में बंधे हैं। जिनका धर्म मर जाता है, तो आपने भी सुना होगा कि कुछ लोग अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ भी, हम टीवी पे, अखबारों में ये केस सुनते हैं कि गलत हुआ, बेटी के साथ एक पिता ने गलत किया, बहन के साथ एक भाई ने गलत किया, कई बार
कभी कभी ये भी घटनाएं हम लोग सुन लेते हैं टीवी पे अखबारों पे, क्यों उनका धर्म मर गया, इसलिए वो हैवान हो गए इंसान से। अब रही बात आस्था की, गुरुजी मेरा वही, मेरा फिर से वही पे है। हाँ। धर्म जिसको हम कह रहे हैं ना, ठीक है, जो आपने जो भी उदाहरण दिए, ठीक है, ये आप मेरे, मेरी मानसिक द्वंद की मैं बात कर रहा हूँ, करिए 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 करिए, हम जिसको धर्म कह रहे हैं ये शायद कानून है, ये शायद ये परंपरा है। हाँ। ये शायद हमारा ज्ञान है, कुछ भी कह सकते हैं, तो हम ना कुछ भी नाम दीजिए, हम उस धर्म को खोज रहे हैं, हम उस धर्म के बारे में जानने की जिज्ञासा है जिसके सामने, मतलब जो जब सबसे बड़ा परब्रह्म है जो हमको अपने आप रास्ता दिखाता है। मेरा यह कहना है कि क्या हम जिसको हिंदू धर्म या सनातन धर्म बोलते हैं उसको धर्म जैसे शब्दों से व्याख्या ना करें, क्योंकि ये धर्म हर जगह लगाया जा रहा है, राजधर्म, लोक धर्म और भी अन्य धर्म। हाँ, तो धर्म कानून हो जा रहा है। नहीं तो धर्म ना लगाओगे तो क्या लगाओगे फिर, कोई एक फिर जैसे पातिव्रत धर्म, पत्नी का धर्म होता है पातिव्रत धर्म, पुत्र का धर्म होता है माँ बाप की, माता पिता के लिए क्या बोला वेदों ने, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि और आचार्य देवो भव। माता की सेवा करना पुत्र का धर्म है, पति की सेवा करना पत्नी का धर्म है। तो आप कह रहे हैं कि धर्म ना लगाया जाए, तो धर्म की जगह कौन सा शब्द है आप बताइए, कौन सा शब्द जोड़ा जाए? हमें लगता है जैसे एक ऐसे स्पिरिचुअल जो 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 सबसे बड़ा पर ब्रह्म का जो शक्ति बोलते हैं। अब हम ना शायद अपने हिंदू धर्म बोल के हम एक व्याख्या करते हैं कि हम परंपराओं को, परंपराओं का सेवन करें, हम परंपराओं का पालन करें, ऐसा होता आया है ऐसा करें। मेरा आपसे आग्रह है, आप जैसे विद्वान जिसके लाखों करोड़ों और हम जैसे लोग हैं जो आपको मानते हैं, क्या आप इस दिशा में हमें नहीं ले जा सकते, जो हमें डराई नहीं, जो हमें सिर्फ कानून का पालन ना करे? नहीं, डराया नहीं जाता, सनातन में कहाँ डर है बताइए, क्या डर है? बिल्कुल नहीं, मैं वही शब्दों का, ये डरा मतलब आप कानूनन ये पालन करो की जगह हम हर समस्या में ऊपर वाले के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाए और जो उचित रास्ता मिले हम उसके बारे में लोगों को बात बताएं। हर चीज का पर्यायवाची है हमारे सनातन धर्म में, हर चीज का पर्याय है जी, लेकिन विडंबना देखिए कि धर्म का कोई पर्याय नहीं, धर्म सिर्फ धर्म है, इसलिए धर्म को धर्म ही रहने दीजिए, धर्म की जगह कोई दूसरा, जैसे माँ की जगह क्या कोई दूसरा ले सकता है, जैसे माँ की जगह कोई दूसरी स्त्री नहीं ले सकती, उसी तरह धर्म की जगह कोई दूसरा शब्द नहीं ले सकता, धर्म अपनी जगह धर्म रहेगा। इसलिए क्या कहा है, स्वधर्म, गीता में लिखा है स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। गुरु गोविंद सिंह जी के दो बच्चों को मुगलों ने दीवार में चुनवा दिया, बोला था बच्चे 7 साल के थे, 5 साल का लगभग, 1-7 वर्ष का, तलवार की नोक गर्दन पे रखी। अब सोचिए 7 साल के बच्चे में गर्दन रखी, तलवार में गर्दन रखी जाए, अर्थात गर्दन में तलवार रखी जाए और कहा जाए तुम धर्म छोड़ दो, लेकिन धन्य है वो बच्चे कि वो मर गए, दीवार में चुनवा दिए गए, शहीद हो गए, पर अपने धर्म का परित्याग नहीं किया। तो धर्म की ये व्याख्या है, कोई पर्याय नहीं हो सकता, इसलिए धर्म के लिए हमारे यहाँ मर गए लोग, बलिदान दे दिया अपना सर्वोच्च, धर्म तो था। राम ने सूपनखा को स्वीकार क्यों नहीं किया, क्योंकि पराई नारी को गलत दृष्टि से देखना ये अधर्म है, यही धर्म था राम का। राम कौन है, रामो विग्रहवान धर्मः, राम ही धर्म की प्रतिमूर्ति है। धर्म किसे कहते हैं, राम को। यदि धर्म को शारीरिक संरचना में देखनी है तो भगवान राम ही धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, धर्म का प्रतिनिधि, धर्म के प्रतिनिधि राम है। तो कोई पर्याय नहीं है, इसलिए धर्म को मानना ही हम सबका परम कर्तव्य है। बिल्कुल बिल्कुल सहमत है, हम सब वही पालन कर रहे हैं जी। व्यापक अर्थों में इस शब्द की, शब्द का महत्व थोड़ा कम किया जा रहा है और चीजों में इसको लगा के, ये हमारा प्रश्न था कि हम इसको कहीं और ले जा सकते हैं क्या? धर्म को कहीं नहीं ले जा सकते, धर्म सदा अपनी जगह रहेगा। देखिए ऐसा है, झूठ बदला जा सकता है, सच नहीं बदला जा सकता। सच तो कल भी जैसा था आज भी वैसा ही दिखेगा और कल भी वैसा ही आने वाले कल में दिखेगा। तो धर्म जो है वो सत्य, इसलिए हमारे धर्म का नाम क्या है, सत्य।
पहले है सत्य, सनातन, सनातन धर्म जो सत्य है, जो सनातन मीन्स पुराना, कितना पुराना धर्म है, बोले सनातन राम है, सनातन कृष्ण है, जितना पुराना सूर्य और चांद और संसार समुद्र है उतना पुराना ये धर्म है। अब कितना पुराना, जितने पुराने नारायण है उतना पुराना ये धर्म है, यही धर्म है। मर जाना अपने धर्म, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में रहकर मर जाना अच्छा है पर अपने धर्म का परित्याग करना अच्छा। इसी क्रम में दूसरा जो मैंने कहा था, हाँ, जैसे हम लोग ना कोई राम राम की कथा करते, हम कृष्ण की कथा करते, कहीं भक्ति की कथा होती है, दुर्गा की कथा होती है, तो ये बहुत सारे कथाओं के कारण क्या हमारे सनातन में कोई ह्रास आ सकता है कभी? नहीं, बात समझिए ना, हम सनातनी हैं, हमारे यहाँ स्त्रियाँ, स्त्री एक होती है ना, स्त्री एक होती है लेकिन उसे देखने वाले चार होते हैं। जैसे आपकी पत्नी, जब आप अपनी पत्नी को देखेंगे ना तो आप उसे पत्नी के रूप में देखेंगे, पर आपकी पत्नी को जब आपका बेटा देखेगा तो वो माँ के रूप में देखेगा, जब आपकी पत्नी को आपका साला देखेगा तो बहन के रूप में देखेगा, जब आपकी पत्नी को आपके ससुर जी देखेंगे तो बेटी के रूप में देखेंगे। स्त्री तो एक है पर देखने वाले कितने हो गए? अलग अलग, चार हो गए ना। एक स्त्री को चार लोगों ने देखा तो चार नामों से पुकारा, नाम भी तो चार हो गए, बहन हो गई, पत्नी हो गई, माँ हो गई और बेटी। एक स्त्री के नाम चार हो गए, रूप भी चार हो गए। जिस रूप से आपने देखा है आपके ससुर, उस रूप से ना देखेंगे अपनी बेटी को। चार रूप हो गए, चार नाम हो गए, पर तत्व में स्त्री एक है, उसी तरह ईश्वर एक है, उनको देखने वाले भक्त अनेक हैं, तो अनेक नाम अनेक रूप से भक्त जानते हैं। ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उस एक को अनेक रूपों में देखा जाता है। समझ गए आप? सहमत हैं बात से? बिल्कुल सहमत हैं। ठीक, और ये परिचर्चा क्या है, द्वंद है, बार बार परिचर्चा हो, बिल्कुल बार बार, इसलिए बार बार सत्संग करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी आधे घड़ी आधे की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध जी।